A very good morning to all of you. I, Ashwarya Vijay, welcome you all on An Academy India's largest learning online platform. Session ko start करने से पहले एक बार फटाफट से confirmation in the comment section दे दीजिए that I am audible and visible ताकि हम हमारी general aptitude की classes start कर सके जो कि रोज होती है at 9 a.m. फटाफट से confirmation दे दीजिए in the comment section that I am audible and visible वेरी गुड मॉर्निंग चलिए चलिए लेटमी वेरी गुड मॉर्निंग ओके ओके चलिए आवाज आ रही है स्टूडेंट्स जब तक ऐड होते तब तक हम हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं कि okay. Who I am? My name is Ishwara Vijay, and this is gate score. This is my gate score in 2017, is, and these are the some other exams that I've qualified. Yes, special classes are on An Academy Learning app, which you can attend. Kar sakte. And you can feel the difference between these YouTube classes, which is completely free. And again, the difference between the YouTube classes and the special classes and special classes are again. वो है आपका जर्नल इंग्लिश जर्नल इंग्लिश में भी हम जो एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उसमें आप वो सारे एग्जाम ले सकते हैं जो हम इस सीरीज में ले रहे हैं लाइक like चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए ए की बात कर लीजिए कि कैट की बात कर लीजिए कि गेट की के बात कर लीजिए या किसी भी अदर एग्जाम भी जिस भी जिसमें जर्नल इंग्लिश पूछा जाता आप है आप उसे टारगेट कर सकते हैं डेली क्लासेस होती है आप अटेंड कर सकते हैं एंड अगेन इफ यू आर नॉट ऑन ऑनअमी लर्निंग ऐप और आप डाउनलोड करते हैं देन यू कैन यूज दिस कोड इवन आप अगर आपके कोई छोटे बहन भाई आस पास में कोई है अभी जैसे बोर्ड्स आने वाले स्टूडेंट्स के तो उन्हें रहता है यार रिविजन कहाँ से करें देन अगेन यू कैन सजेस्ट देम यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी होती है। होती हैं बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको इलेवेंथ ट्वेल्थ भी आपके मिल जाएंगे इवन नीट एंड जे की प्रिपरेशन के लिए भी मिल जाएंगे आप उन्हें भी ये कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं ताकि वो लोग भी एक्सेस कर पाएंगे उन फ्री वीडियोस को उस फ्री कंटेंट को और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन लेते हैं दैन अगेन आपको ये डिस्काउंट तो दिलवाएगा ही दिलवाएगा तो चलिए आगे चलते हैं और ये जानते हैं जैसे कल थी हमारी फर्स्ट ऑफ मार्च और कल लॉन्च हुए हैं बैचेस और अभी, अभी अपकमिंग डेज में भी लाइक ऑन एंड लॉन्च होने वाले हैं अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर गेट ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री या फिर फॉर ईएससी ट्वेंटी वन तब तो आप ऑलरेडी यू आर वेरी लेट एंड ट्वेंटी टू तो अभी भी अगर आप ये हैं कि यार अब लूंगा अब लूंगा सब्सक्रिप्शन आप कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से थोड़ा सा तो पीछे हो ही चुके हैं लेकिन अभी भी आपके पास मौका है कि बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ने का क्योंकि बैचेस लॉन्च हो गए जहां पे

पढ़ लिया अब हमने उसे टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है उसे जज करने के लिए क्या है? समझ में आया कि नहीं आया खुद हमारी गाड़ी हम, हम कहाँ तक ले जा सके उसके लिए आप वीकली टेस्ट एंड क्विज़स दे सकते हैं आपके ये सारे हो गए उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे क्रैश कोर्सेस मिलते हैं रिविजन कोर्सेस मिलते हैं डाउट अगर कोई आ रहा है कोई गलती हुई है कि नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे तो डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके यहाँ पे लगता है जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आपके रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस भी लगते हैं और ये सारी चीजें आपको मिलती हैं इन बोथ दी लैंग्वेजेस आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें पढ़ सकता है साथ ही साथ ये सारे फीचर्स तो हुए प्लस के प्लस के साथ बड़े भैया का ऑप्शन भी अवेलेबल है इफ यू वांट टू गो विथ बड़े भैया बड़े भैया में जैसे हमारे भाई भैया नहीं होते बड़े भैया यार हमारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी कोच अपॉइंट किया जाता है पर्सनल कोच अपॉइंट किया जाता है फॉर द पर्सनल गाइडेंस कि यार हमारा स्टडी प्लान कैसा रहना चाहिए पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए हम हमारे डे को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं तो वेरी गुड मैनर और इन अ बेस्ट वे तो वो सारी चीजें हमें हमें बड़े भैया बताते हैं साथ ही साथ हमें कौन कौन से सेशंस अटेंड करने चाहिए स्पेशली जस्ट टू बूस्ट कॉन्फिडेंस और अगर हमें जरूरत है तो हमारे लिए भी सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं जो सिर्फ आइकॉनिक वाले स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं अगेन ये सारी चीजें भी करते हैं हमारे बड़े भैया टेस्ट एनालिसिस टेस्ट तो दे दिया लेकिन कहाँ गलती की ऐसे नहीं होता बड़े भैया ऐसे आके बोलते यार छोटू ए छोटू तूने नहीं यहाँ पे गलती सिमिलरली जो आपके गाइड होंगे जो आपके कोच होंगे वो आपको ये बताएंगे कि यार आपने कहाँ गलती की है इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये डिपार्टमेंट भी हमारे बड़े भैया के पास है अगर आपको कोई डाउट ऐसे नहीं होते कुछ परेशानी होती है तो हम हमारे बड़े भाई हो या बड़ी बहन जो होती है उनके पास जाते हैं यार ये दिक्कत आ रही क्या करना चाहिए तो अगेन बड़े भैया है एंड स्टडी मटेरियल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है आइकॉनिक फीचर में चाहे आप प्लस से जाएँ या आइकॉनिक्स फीचर्स के साथ जाएँ या चाहे आप गेट ई ए सी कैटेगरी के, के साथ जाएँ या किसी भी और स्ट्रीम के साथ जाए जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है यू कैन यूज दिस कोड आप ये कोड यूज कर सकते हैं एंड डिस्काउंट ले सकते हैं साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये क्वेरी लेके आ रहे हैं कि मैम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट ट्वेंटी टू तो कौन सा कोर्स लेना चाहिए दान, यार आप खुद देखिए ना अगर यू देखेंगे तो या फिर तो आप ट्वेल्व जाएं अकॉर्डिंग टू यू लाइक अगर आप ट्वेंटी टू के साथ ट्वेंटी थ्री को भी टारगेट कर रहे हैं 24 पे अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जाइए कंपेरिटिवली रेट भी चीप हो जाती है एंड आप उस टाइम तक कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे टेस्ट दे पाएंगे अगर कोई डाउट आएंगे तो उसको सॉल्व कर पाएंगे उससे पूछ पाएंगे साथ ही साथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ई टू अगर आप ई ट्वेंटी टू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं देन गो फॉर एटीन मंथ्स क्योंकि ई और हमारे गेट में कुछ टाइम पीरियड का गैप होता है जो आपका इसमें कवर हो जाएगा एंड कंपेरेटिवली रेट भी अगेन इससे तो थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन

कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट इट्स वेरी 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 सिमिलर और वी कैन से ऑलमोस्ट सिमिलर टू टाइम एंड वर्क एंड वेजेस नाउ कैसे तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे हमें दो वर्ड दिख रहे हैं फर्स्ट वर्न इज पाइप्स एंड सेकेंड वर्न इज सिस्टम तो चलिए इसी पे डील करते हैं पाइप्स की बात करें पाइप्स हमारे पास यहाँ पे दो तरह के पाइप होते हैं एक होता है इनलेट पाइप दूसरा होता है आउटलेट पाइप ऑल दो नाम से पता चल रहा है इनलेट पाइप मतलब पानी को फिल कर रहा है वो टैंक को या फिर जो भी कंटेनर है उसको फिल करने के काम आ रहा है इनलेट पाइप वहीं अगर आउटलेट पाइप करे तो ये क्या कर रहा है पानी को बाहर निकाल रहा है मतलब एम करने के काम में आ रहा है इतना आई गेस हम सबको समझ में आता है नहीं आता है, तो कोई बात नहीं हमने समझ लिया सिस्टम सिस्टम आपके यहाँ पे दो तरीके से यूज आ सकता है एक तरीके से मेनली हम इसको समझते हैं कोई तरह का कंटेनर होगा या फिर आपका टैंक होगा या फिर किसी तरह का कोई कंटेनर जिसमें हम कुछ चीज स्टोर करके रख सकते हैं ठीक है या फिर टर, टर्म भी आपको मिल सकते हैं अब यहाँ पे और टर्म्स क्या आते है यहाँ पे एक टर्म आती है होल जैसे टैंक में छेद हो गया यहाँ पे सपोज कर पानी क्या आएगा? बहेगा क्रैक कोई क्रैक आ गया तो वहां से भी पानी थोड़ा थोड़ा तो बाहर आता है लीकेज अगेन इस पानी बहने को लीकेज कहते हैं और जैसे जैसे टर्म्स आती जाएंगी हम इसे डिस्कस करते रहेंगे तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं ओके ऑफ अला आप इसे परचेज कर सकते हैं मैटर कि आप कहाँ से हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं इफ़ यू आर लाइक आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं जस्ट डू वन थिंग जस्ट डाउनलोड द दी लर्निंग ऐप यूज दिस कोड आप पहले एक बार कोड यूज करके देखिए ताकि आपका जो भी फ्री कंटेंट होगा लाइक स्पेशल क्लासेस एंड फ्री कोर्सेस वो अनलॉक हो जाएंगे आप वहाँ पे से देख सकते हैं कि आपके वहाँ पे एरिया में जितना है एक्सेस कर पाएंगे डेटा अगर नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं आप यूट्यूब क्लासेस क्लासेस देख ही सकते हैं जैसे ही आपका एक बार आप डाउनलोड करके देखिए अगर आप एक्सेस कर पा रहे हैं देन आप फॉलो कीजिएगा जस्ट विजिट माई प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पे जाके एक मैसेज ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आप वहाँ पे से भी जाके मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं बट जस्ट डू वन थिंग जस्ट फर्स्ट डाउनलोड द दी लर्निंग ऐप एंड वॉच द फ्री सेशन और स्पेशल क्लासेस फर्स्ट ठीक है

एंड बी दोनों किसी मैंने टैंक में या फिर सिस्टम में फिट करवा रखे हैं एक किसी भी टैंक को टेन आवर्स में फिल करता है बी उसी टैंक को फिफ्टीन आवर्स में फिल करता है तो अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो किसी भी टैंक को कितनी देर में फिल कर देंगे फटाफट से आंसर बताइए टेल मी द आंसर देर अ टैंक जिसमें हमने दो पाइप लगा रखे पाइप ए पाइप बी पाइप ए किसी भी टैंक को दस घंटे में भर देता है उसी टैंक को बी पंद्रह घंटे में भर देता है अगर मैंने इन दोनों को साथ में काम करवाया तो ए प्लस बी मिल के उसी टैंक को कितनी देर में भर देंगे देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा कॉन्सेप्ट सिमिलर बिल्कुल हमारे टाइम एंड वर्क वाले ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाने हैं फर्स्ट मेथड तो हो ही गया सेकेंड मेथड हमारा क्या होगा एलसीएम फाइंड आउट करना एलसीएम क्या आएगा इनका थर्टी थर्ड स्टेप इनकी एफिशिएंसी निकालना प्लस थ्री प्लस टू अब इस चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं डिनोट करके चल रही हूँ क्योंकि ये मैं यूज करती हूँ प्लस प्लस इज फॉर फिलिंग या कि फिल कर अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है तो मतलब हम क्या कर रहे हैं वो वो पाइप क्या कर रहा है एम कर रहा है उस टैंक को ठीक है प्लस थ्री प्लस टू टाइम निकालना है ना तो टाइम क्या होता है ये अब आपकी क्या आई है यहां पे एलसीएम जैसे वहां पे टोटल वर्क आ रहा था यहां पे आपकी टोटल कैपेसिटी आ रही है टोटल कैपेसिटी ऑफ सिस्टम या फिर टैंक भी बोल सकते हैं टैंक या फिर सिस्टम ठीक है इसी के साथ साथ ये अगेन आपकी क्या आई है एफिशिएंसी ये आपकी क्या है एफिशिएंसी और टाइम कैसे निकालता है टाइम टोटल कैपेसिटी यहां पे बस टोटल वर्क की जगह क्या आ जाएगा टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी वेरी इससे हमें क्या फाइंड आउट मिलेगा टोटल नंबर ऑफ आवर्स नंबर ऑफ आवर्स और टाइम बोल सकते हैं हम यहाँ पे आवर्स की बात करें तो यहाँ पे आवर्स लिख लेते बाकी से हम क्या बोलते हैं टाइम बोलते हैं हो सकता है डेज के भी हमें दे हो तो बस जस्ट पुट द वैल्यूज टोटल कैपेसिटी थर्टी एफिशियंज फाइव मतलब सिक्स आवर्स में भर देंगे सिंपल चले नेक्स्ट पे चले ओके okay, चलो नेक्स्ट केस टू अगेन हमारे पास देर इज ए टैंक और सिस्टम जिसमें दो पाइप लगे हैं ए किसी भी टैंक को टेन आवर्स में फिल कर देता है एंड बी उसी टैंक को फिफ्टीन आर्स में एम्प्टी कर देता है प्लस एंड माइनस आपको ऐसे बताना है कि ऐसी सिचुएशन में टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा आपको क्या बताना है कि ए प्लस बी को टोटल दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा टैंक टू फिल कितना टाइम लगेगा फटाफट से बताइए श्योर था वह अभी रिपीट करते हैं जैसे हम टाइम एंड वर्क में कर रहे थे सिमिलरली पहला स्टेप तो हो ही गया ऐसे आपको लैंग्वेज में होगा हम यहाँ पे इन नंबर्स लिख रहे हैं डायरेक्टली लिख रहे हैं आपको कोई ऐसे दे रखा होगा इन लैंग्वेज कि देर इज अ पाइप एच फिल्स अ टैंक इन टेन आवर्स एंड देर इजर पाइप एम्प्टी द टैंक इन फिफ्टीन आवर्स तो लिख लिया हमने पहला स्टेप हो गया दूसरा स्टेप क्या होता है इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है. LCM क्या है 30, value same है थर्टी आपका क्या है थर्टी इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ लिख लेता है क्लियर टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक या फिर सिस्टम आप जिसमें कंफर्टेबल आप वो टर्म यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है फाइंड आउट दी एफिशियंसी प्लस थ्री इसका अब यहाँ पे ये टैंक एम कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एफिशिएंसी माइनस टू कितनी लिखेंगे माइनस टू अब हमें ये बताना है टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा तो टाइम कैसे बताएंगे टाइम के लिए अगेन कितना है टोटल भरना कितना है कैपेसिटी कितनी थर्टी डिवाइडेड बाई टोटल एफिशियंसी प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन एफिशिएंसी बची डिवाइडेड बाय वन मतलब कितना टाइम लगेगा थर्टी आवर्स का टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा टोटल थर्टी आवर्स का टाइम लगेगा आई गेस अथर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है ठीक है चलें नेक्स्ट केस पे हमारा नेक्स्ट केस केस नंबर थर्ड अगेन वी हैव द सेम पाइप्स पाइप ए एंड पाइप बी नाउ पाइप ए किसी भी टैंक को एम्प्टी कर रहा है इन टेन आवर्स एंड पाइप बी किसी भी टैंक को फिल कर रहा है 15 तो आपको ये बताना है कि ए प्लस बी जब दोनों साथ में होंगे तो टैंक टाइम टू एम्प्टी द टैंक टाइम टू एक सेकेंड टाइम टू एम्प्टी द टैंक कितना फिर हम कुछ रियल प्रॉब्लम्स पे चलते हैं जिन्हें करने में बहुत मजा आने वाला है आज ओके फटाफट सही एंड यू नो दैट आंसर सेम यहां पे ये यह जो नेगेटिव साइन है यहां पे ये यह जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है कि ये टैंक को एम्प्टी कर रहा है ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि टैंक को एम्प्टी शो एम्प्टी कर रहा है ठीक है इस चीज का ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट केस पे केस नंबर फोर ओके अब यहां पे क्या गया चलो एक टैंक सॉरी uh, uh, एक टैंक नहीं एक पाइप ए किसी भी टैंक को 10 आवर्स में फिल कर रहा है एंड हमें एक और डेटा दे रखा है देन कि ए प्लस बी कोई दो पाइप्स हैं वो किसी भी टैंक को मतलब एक पाइप है जो फिल कर रहा है और दूसरा पाइप है जो एम्प्टी कर रहा है ये दोनों मिलके उसी टैंक को 25 फाइव आवर्स में फिल कर देते हैं ठीक है नाउ यू हैव टू फाइंड आउट की अगर अकेला बी काम कर रहा होगा बी क्या कर रहा है एम टी कर रहा है तो बी उस टैंक को कितने टाइम में एम टी कर देगा क्वेश्चन दे क्या है देर इज ए टैंक उसमें एक पाइप लगा हुआ ए जो उस टैंक को फिल कर रहा है, है? एक और कोई पाइप है बी उसके साथ मिलकर जो पाइप ए है वो उस टैंक को 25 फाइव आवर्स में फिल कर पा रहा है और कंडीशन ये दे रखी कि पाइप बी कौन सा पाइप है आपका आउटलेट पाइप है मतलब टैंक को एम्प्टी कर रहा है तो पूरा टैंक कितने देर में एम्प्टी कर देगा अगर बी अकेला काम कर रहा होगा तो क्या है एंड डोंट फोगेट टू लाइक द सेशन यार क्यों कंजूस ही करते हो मतलब तुम लोगों को ऐसा होता है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा कि आप प्लीज हिट द लाइक बटन और प्लीज मार्क योर अटेंडेंस खुद से नहीं होता है कि हाँ ठीक है कब ऐसा ऐसा मौका ही नहीं देते कि ठीक है कि मैम को ना बोलना पड़े मैम ऐसे देखते ही खुश हो जाए नहीं मैम से तो बुलवा के ही रहेंगे ट्वेंटी फाइव आवर्स लेट मी समर uh, अहमद खान ऑन जर्नल जर्नल एप्टीट्यूड तो आपको यही चल रहा है जर्नल इंग्लिश जिसे हम वर्बल एबिलिटी भी बोलते हैं वो स्पेशल क्लासेज में चल रहा है क्या यू कैन अटेंड स्पेशल क्लासेस डेली स्पेशल क्लासेज होती हैं ऑन अनअकेडमी लर्निंग एप एट सेवन पी ठीक है Eve में होती है जर्नल इंग्लिश का न्यू बैच लॉन्च हुआ है जिसे आप वर्बल एबिलिटी का भी बोल सकते हैं उसमें हम रीजनिंग का सेक्शन भी कवर करेंगे एक बार पहले इंग्लिश हमारी that, learning, code, और आप अपने दोस्तों को अपने जूनियर्स को अपने बहन भाइयों को भी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि अगर वो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेन दे कैन ज्वाइन द बैच टू और देन द्लासेस टू ठीक है ओके सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं देखते हैं क्या आएगा पहला काम तो हो गया दूसरा काम एलसीएम फाइंड आउट करना जिससे हमारी टोटल कैपेसिटी है एलसीएम की बात करें एलसीएम आ गया फिफ्टी ठीक है यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करते हैं यहाँ पे आएगा प्लस फाइव यहाँ पे आएगा माइनस टू क्यों कोई बता सकता है यहाँ पे माइनस टू क्यों आएगा क्योंकि भाई यहाँ पे टैंक को हम लोग एम्प्टी कर रहे हैं यहाँ पे टैंक को हम लोग एम्प्टी कर रहे हैं ठीक है अब एक चीज ये देखो एक चीज ये देखो हम जब ये देख रहे थे कि a प्लस बी या फिर प्लस टू ही ले लो चलो m माइनस में कंफ्यूजन हो जाएगा a प्लस बी की टोटल की वैल्यू टू है अब लेकिन आपने कहा यार बेचारा अकेला फाइव ए ही फाइव वैल्यू लेके बैठे तो अगर इसको टू बनाना है तो क्या करना पड़ेगा तो आपने कहा फिर बी की वैल्यू हमें ना चाहते हुए भी माइनस थ्री करनी पड़ेगी माइनस थ्री करनी पड़ेगी मतलब ये टैंक ये जो पाइप है वो आपके टैंक को क्या कर रहा है एम्टी कर रहा है 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 अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना टाइम एफिशिएंसी कितनी डिवाइडेड बाय थ्री। थ्री लिखे तो ठीक क्योंकि ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ सिंबल ये आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं कि यार इमेजनरी नंबर दे दे ऐसा नहीं जस्ट आपको ये शो कर रहा है कि टैंक को फिल कर रहा है कि एम कर रहा है ठीक है एंड जस्ट रिपीटिंग माई वर्ड्स माइनस जो साइन है ये सिर्फ साइन की तरह ही यूज करना है ये आपको कोई भी नंबर में ऑपरेट नहीं करना है कि कोई बोल दे कि मैम माइनस थ्री तो हम डिनोमिनेटर में रख ही नहीं सकते या फिर इमेजिनरी नंबर देगा आई आई कैन कैन नो नो दैट दैट भाई साइन बता रहा है आपको कि ये कर रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वॉट वी विल गेट वी विल गेट सिक्सटीन टू बाई थ्री आर्स एज एंसर एज आंसर ठीक है एलसीएम या एलसीएम तो कैसे लेते हैं टेन एंड ट्वेंटी फाइव के एलसीयम कैसे लेंगे चलो बताओ एलसीएम कैसे लेंगे आपके पास 10 है और 25 है 10 के फैक्टर्स लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं 2 5 सिमिलरली 5 का आप क्या लिख सकते हैं 5 5 अब एलसीएम क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों का मल्टीपल हो तो आपने कहा ये क्या है लिखेंगे आप 5 5 कॉमन हो गया 2 5 5 तो आपका हो जाएगा 25 ट्वेंटी फाइव इंटू टू आपका हो जाएगा फिफ्टी और इन दोनों का एलसीएम आपने क्या लिख दिया फिफ्टी और एलसीएम यहां पे आपका क्या शो करता है LCM आपकी टोटल कैपेसिटी शो करता है ठीक है ओके एक लास्ट केस फिर हम थोड़े अच्छी प्रॉब्लम पे चलते हैं लास्ट केस केस नंबर फाइव ताकि हमारा सारा रिविजन भी हो जाएगा जिससे हम, जो हम इन में पढ़ गए थे इन टेन आवर्स ठीक है एंड देर टू पाइप ए एंड बी ये दोनों किसी भी टैंक को मिलके फिल कर रहे हैं इन फिफ्टीन आवर्स तो आपको ये बताना है तो ये बताना है कि बी अगेन कितनी देर में एम कर देगा बी कितनी देर में एम कर देगा टैंक को फटाफट से बताइए लास्ट इसका भी आंसर एक काम कीजिए इस, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए ए एंड बी दोनों मिलके एम कर रहे हैं इस टैंक को इन फिफ्टीन आवर्स ए एंड बी दोनों मिलके अगर दोनों साथ में काम करते हैं तब ये टैंक फिफ्टीन आवर्स में एम हो जाता है ऑल ये पॉसिबल नहीं है केस लेकिन ठीक है करके देख लीजिए एक बार एम टी कर रहे हैं दोनों ऑन है तब भी बेस्ट टाइम क्या रहेगा पवन फॉर विच वन क्वांट का तो आपका बैच चल ही रहा है आपका जनरल एप्टीट्यूड का ए एम पे डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं एंड जो आपका जनरल इंग्लिश का जो बैच है वो चल रहा है सेवन पी एम पे और ये बैच जो आपका हो रहा है इट्स ऑन स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्लासेस का होती है आपकी और अन अकेडमी लड़ने आप 7, 2 4, exactly. क्या आएगा माइनस टू अब आपने ये देखा या फिर एक काम करते हैं एल्सियम की वहां पर दिक्कत आ रही थी एल्शियम नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं ना कि यहाँ पे कुछ इसका कॉमन फैक्टर ले लें ठीक है कॉमन फैक्टर ले ले तब भी आपका आंसर आ जाएगा अगर हम यही वाली वैल्यूज रखते अगर हम पहली वाली वैल्यूज ही रखते तो उसको भी कर लेते ताकि जिनको एलसीएम में दिक्कत आ रही है उनको एलसीएम में दिक्कत ना आए हम यहाँ पे ट्वेंटी कर देते मान लेते हैं ठीक है ट्वेंटी फाइव ही कर लेते अब हमारा एलसीएम भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारा एलसीएम भी क्या हो जाएगा फिफ्टी हो जाएगा तो कर लेते हैं इसको हमने यहाँ पे कर लिया फिफ्टी कितना आया प्लस फाइव यहाँ पे कितना आया यहाँ पे एम माइनस टू जैसे जैसे वैल्यूज हमारी ऑल्टर करेगी हमारी वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगे इस चीज का ध्यान रखेगा तो यहाँ पे से b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको पता है कि अगर a प्लस बी की टोटल वैल्यू माइनस टू है a प्लस बी की टोटल वैल्यू माइनस टू है और a आपका क्या है प्लस फाइव है तो b को ना चाहते हुए भी हमें क्या करना पड़ेगा माइनस सेवन करना पड़ेगा एंड माइनस क्या शो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहा है कि टैंक को एम्प्टी कर तो 50 बाय 7 एंड यू विल गेट योर आंसर 7 1 बाय 7 आर ठीक है ठीक है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पहला क्वेश्चन टू टैप्स कैन फिल अ टैंक इन फोर एंड फाइव मिनट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाइल द थर्ड टैप कैन एम्प्टी इट इन थ्री मिनट्स अ टैंक व्हिच इज

फटाफट से ही बताइए प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं बेसिक्स तो हमारा स्ट्रॉन्ग है अब आने वाला है अच्छे अच्छे अच्छा लेवल के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले एंड टाइम एंड वर्क आज स्टार्ट सॉरी हमारा टाइम एंड वर्क तो हो ही गया पाइपिस्टेंस आज स्टार्ट किया आज ही हम खत्म कर देंगे ताकि कल से हम न्यू चैप्टर ले सके न्यू कंटेंट ले सके पवन ये वाला जो बैच लॉन्च हुआ है दिस इज ऑल्सो अ बेसिक बैच एंड जो जनरल इंग्लिश का जो बैच चल रहा है दैट हमारा जो स्टार्ट हो चुका है वो भी हमारा बेसिक बैच ही है उसमें हम फ्रॉम द द जीरो लेवल पढ़ रहे हैं जस्ट अटेंड क्लास आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हम कौन से लेवल पे पढ़ रहे हैं कौन से लेवल लेवल से से कौन से लेवल पे जा रहे हैं हम धीरे धीरे पढ़ते हैं आराम से पढ़ते हैं कोई हड़बड़ाहट नहीं करते एक चीज को बहुत अच्छे से समझाने की मैं मेरी बेस्ट ट्राई करूँ कि आपको लाइव एग्जाम्पल से ही समझा सके ताकि आप उसे रिलेट करके बहुत अच्छे से पढ़ सके अब जब हमने बैच स्टार्ट किया था जब मैंने बैच स्टार्ट किया था जितने अत स्टूडेंट इन द क्लास दे ऑल They all are on. मतलब बोल सकते हैं, वो सारे के सारे हंसा लेवल पे थे धीरे धीरे प्रफुल्ल बन रहे जयश्री भी बनाएंगे तो जीरो तो पढ़ रहे हैं। और किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं एंड जो जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो अच्छे से रिव्यू दे सकते है बाकी बैचेस का आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ठीक कर, कर कर है हमारे पास दो पाइप है बी उसी टैंक को फाइव मिनट्स में फिल कर देता है बट देर इज अ थर्ड पाइप हम मान लेते हैं देर इज अ थर्ड पाइप सी है जो किसी भी टैंक को थ्री मिनट्स में एम्प्टी कर देता है ठीक है अब क्या करेंगे एलसीयम पहला स्टेप हो गया दूसरा स्टेप एल्सियम एल की बात करें तो एल क्या आएगा यहाँ पे तो आप कहेंगे कि एल सी यहाँ पे आएगा सिक्सटी हमारा आ गया थर्ड काम हमारा क्या होता है थर्ड स्टेप यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना प्लस फिफ्टीन यहाँ पे प्लस ट्वेल्व एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा माइनस ट्वेंटी सिम्बल्स का थोड़ा सा ध्यान रखेगा ठीक है अब आपको यहाँ पे से क्या पता चला कि आपकी टोटल एफिशिएंसी कितनी अगर तीनों को साइमटेनियसली ओपन कर दिया जाए तो आपने कहा ए प्लस बी प्लस सी वैल्यूस पुट की 15 प्लस 12 प्लस माइनस 20 तो यू विल गेट योर आंसर्स प्लस 7 प्लस 7 आंसर आया मतलब टैंक तो क्या हो रहा होगा फिल हो रहा होगा एम्प्टी तो नहीं हो रहा होगा ठीक है लेकिन कितना टाइम लगेगा तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे टाइम के लिए 60 बाय लेकिन ये हम कर देते लेकिन हमें हमारे पास कंडीशन दूसरी आ गई कंडीशन क्या आ गई कि टैंक ऑलरेडी फोर फिल्ड है तो ये वाला स्टेप कब होता जब ये कंडीशन नहीं होती अब कंडीशन दे रखी है, तो इस वाली टर्म को यहां से हटाओ पहले फोर बाय फिफ्थ वाली वैल्यू निकालो अब ये देखो फोर बाय फिफ्थ वॉल्यूम फिल्ड है ऑलरेडी तो कितना फिल्ड है फोर बाय्थ ऑफ वॉट ऑफ 60 लीटर और जितनी भी हमें यहाँ पे कैपेसिटी दे रहे हैं तो हम बोल सकते हैं हमें 48 लीटर ऑलरेडी फिल्ड है टैंक ठीक है तो रिमेनिंग बचा कितना जो हमें फिल करना है क्योंकि हमें तो वही टाइम बताना है ना तो रिमेनिंग कितना बचा नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं हमारे पास रिमेनिंग कैपेसिटी रिमेनिंग कैपेसिटी हमारे पास आएगी ट्वेल्व लीटर्स ट्वेल्व लीटर्स हमें बढ़ना है और अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो हमारी एफिशिएंसी कितनी चल रही है सेवन तो बस टाइम बता दो ट्वेल्व बाय सेवन एंड यू विल गेट योर आंसर वन फाइव बाय सेवन मिनट्स इतनी देर में आपका टैंक भर जाएगा आपका टैंक भर जाएगा ठीक है समझ में आया ये वाला क्वेश्चन I guess, समझ में आया होगा अगर आपको ये नहीं दे रखी होती by 5, 5 वाली आपका हम निकालते हैं, जैसे कर रहे थे ठीक है लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ पे फोर बाय फाइव लिखा हुआ है ये ठीक है फोर बाय फाइव नेक्स्ट ओके

पहला काम पहला काम हमारा क्या होता है कि ए किसी भी टैंक को थ्री आवर्स में फिल कर रहा है बी उसी टैंक को फोर आवर्स में फिल कर रहा है प्लस और प्लस लगा लेते हैं देयर इज अ पाइप सी जो किसी भी टैंक को आवर में एम्प्टी कर रहा है माइनस लगा रखा है सेकेंड वर्क क्या होता है हमारा एलसीएम फाइंड आउट करना एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे ट्वेल्व ट्वेल्व हमारा क्या शो करता है टोटल कैपेसिटी जो एलसीएम है वो हमारी क्या शो करती है टोटल कैपेसिटी ठीक है है ये भी हो हो गया अब स्टेप हमारा क्या होता है? लिखना प्लस फोर, प्लस थ्री, और यहां पे कितनी जाएगी कि अगर की बात करें A प्लस B प्लस C, तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है प्लस फोर, प्लस थ्री, प्लस तो आपके पास आंसर आएगा माइनस थ्री अल्टीमेटली अगर हम तीनों पाइप को साइमटेनियसली ओपन कर दे यहाँ पे तो आठ बजे नौ बजे दस बजे ओपन किया जा रहा है लेकिन अगर तीनों को साथ में कर दे तो टैंक तो भरना ही नहीं है भाई कुछ भी कर लो भरेगा ही नहीं वो खाली होता रहेगा लेकिन यहाँ वाली सिचुएशन में क्या सीन होगा तो चलिए देखते हैं अब सबसे पहले कौन ओपन होगा ये वाला फर्स्ट वाला पाइप मतलब ए टिल टेन बजे तक टिल टेन एम टिल 10 ए एम तक देख लेते कि कितना टैंक फिल हो गया होगा हमारा ठीक है पाइप ए आया पाइप ए ने दो घंटे में कितना पानी भर देगा एक घंटे में फोर लीटर भर रहा है चार लीटर भर रहा है तो दो घंटे में टिल 10 ए एम तक एट लीटर पानी फिल कर दिया होगा ये एट लीटर्स किसने फिल किया होगा ए ने प्लस बी ने कितना फिल किया होगा थ्री लीटर्स ये बी ने फिल कर दिया मतलब टिल टेन ए तक टोटल टैंक में कितना पानी है या कितना लीटर्स पानी है 11 लीटर्स वाटर फिल हो चुका है ठीक है अब बारी आ गई पाइप सी की जो पानी को खाली करेगा ठीक है खाली करेगा कितनी की स्पीड से माइनस ट्वेल्व की स्पीड से एट टेन ए ये तो टिल टेन ए थी अब टेन ए पे क्या सिचुएशन हो रही है पाइप थर्ड भी जो हमारा एम्प्टी कर सकता है वो भी ऑन हो गया अब वो ऑन हो गया टैंक में पानी कितना है इलेवन लीटर्स है है तो आपको टाइम टाइम क्या लिखेंगे दो घंटे okay. तो वन बाय फाइव को तो हम वन बाय फाइव इन टू सिक्स करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा ट्वेल्व ट्वेल्व पे ट्वेल्व ट्वेल्व पे 12, 12 PM पे ऐसी सिचुएशन होगी कि जो हमारा टैंक होगा उसमें एक बूंद पानी नहीं बचेगा उसमें एक बूंद पानी नहीं बचेगा सिचुएशन सिचुएशन क्या होगी होगी बज के मिनट पे ऐसी कि टैंक में कुछ भी पानी नहीं होगा पानी की जरूरत है तो पाइप जो हमारा पाइप सी है उसे बंद करना पड़ेगा और पाइप ए एंड बी को थोड़ी देर के लिए ऑन रखना पड़ेगा इलेवन क्यों लिया इलेवन इसलिए लिया क्योंकि यार एट टेन ए एम 10 am तक तो सिर्फ यही दो पाइप पानी भर पाएंगे ना और वो उन वो कितना पानी भर पाए सिर्फ और सिर्फ 11 लीटर्स पानी भर पाए टैंक में पानी ही इतना है आप ऐसे समझ लो ये वाला है ठीक है 8 बजे पाइप ए ऑन किया उसने कुछ पानी भरा होगा ठीक है पानी भर दिया अब टिल 10 am तक की सिचुएशन है टिल

अब खाली तो कितना होगा यही तो होगा ना ये दोनों भरेंगे लेकिन उसका कुछ पॉइंट होगा क्या नहीं होगा क्यों क्योंकि यार एफिशिएंसी हमारी टोटल है जितना पानी पानी भर रहा रहा होगा होगा उतना ही निकल भी तो रहा होगा। तो क्या कैपेसिटी का लेवल इंक्रीज हो पाएगा ना हो पाएगा सी के आते ही पानी का लेवल इंक्रीज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है यार खाली करने की टैंक को खाली करने की एफिशिएंसी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है तो चाहे आप पाइप सी को ऑन करेंगे और पाइप ए एंड बी दोनों आपके ओपन है ये लेवल कभी भी 11 लीटर से ज्यादा नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली करके देख लेना ठीक है कभी प्रैक्टिकली कभी ऐसा तो फन फन में कोई अपने कप लिया प्लास्टिक का ग्लास लेना उसमें एक होल करना और उसमें मतलब ऊपर से थोड़ा बड़ा होल करना और ऊपर से कम एफिशिएंसी से पानी डालना और जो आपका होल है आपका ग्लास जो है वो कभी फिल नहीं हो पाएगा करके देखना समझ में आ जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है नेक्स्ट ओके नेक्स्ट वन टू टैप्स कैन फिल अ टैंक इन ट्वेंटी एंड थर्टी मिनट्स रिस्पेक्टिवली अ मैन ओपन बोथ द टैप्स एंड वेंट अवे एंड ही केम बैक एट द टाइम व्हेन टैंक हैज टू बी कम्प्लीटली फिल्ड ओके फिल्ड कम्प्लीटली ही नोटिस दैट देर इज अ लीकेज एट

एक आदमी है वो टैप ऑन करके चला गया किसी काम से और वो तब आया जब उसके अकॉर्डिंग वो वो टैप या टैंक फिल हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया क्यों क्योंकि उसने देखा कि यार वहां पे एक लीकेज है लीकेज है एट द बॉटम ऑफ द टैंक जिसकी वजह से पानी बाहर जा रहा है मतलब टैंक फिल नहीं हो पा रहा उसको जैसे ही पता चला उसने उस लीकेज को बंद कर दिया लीकेज बंद हो गया मतलब अब पानी फिल हो जाएगा इन सारी सिचुएशन जब हुई तो उसके नेक्स्ट दो मिनट बाद ही टैंक फिल हो गया तो आपको ये बताना है कि अगर अगर सिर्फ हम टैंक फिल है है पूरा भरा हुआ है, तो और उसमें सिर्फ लीकेज को हमने ऑन कर रखा है मतलब लीकेज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ लीकेज हो रहा है तो वो टैंक को कितनी देर में एम्प्टी कर देगा अब वेरी गुड मॉर्निंग आंसर बताइए फटाफट से क्या है एफिशिएंसी लिख लेते हैं ए किसी भी टैंक को ट्वेंटी मिनट्स में भर रहा है बी उसी टैंक को थर्टी मिनट्स में भर रहा है प्लस एंड प्लस सेकेंड स्टेप टोट एल निकालना है या फिर कैपेसिटी नहीं। थर्ड स्टेप एफिशिएंसी, प्लस थ्री प्लस टू ठीक है टोटल कैपेसिटी अगर हम यहाँ पे बोले कि टोटल कैपेसिटी ये है और देर इज नो लीकेज ठीक है देर इज नो लीकेज तब टाइम कितना लगता क्योंकि आदमी तो तब ही आएगा ना तो टाइम कितना लगता सिक्सटी बाय फाइव मतलब ट्वेल्व मिनट्स बाद बारह मिनट बाद आदमी घूम फिर के आ जाता आ गया लेकिन बारह मिनट बाद उसे क्या पता चला कि यार ऐसा तो हुआ ही नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं ठीक है तो एक काम करते इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि यार पांच लीटर्स, लीटर कितनी देर में फिल हुआ? हुआ। मिनट में फिल ठीक है। दूसरे मिनट में कितना हो गया होगा ये बढ़ के टेन लीटर हो गया होगा ठीक है कितनी देर में दो मिनट में अब हमने ये दो मिनट की रामायण क्यों लिखी क्योंकि हमें ये दे रखा है कि जब लीकेज हमने सही कर दिया मतलब जो लीकेज हो रहा था उसे हमने कंप्लीटली करेक्ट कर दिया उसे क्लोज कर दिया तब दो मिनट में पानी भर गया दो मिनट में पानी भर गया मतलब रिक्वायरमेंट कितने की थी हमें दस लीटर और भराने थे मतलब दस लीटर खाली था इतना समझ में अब ये दस लीटर खाली हुआ कितनी देर में इस बारह मिनट में क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या नो मिस्टर रेड्डी इट्स नॉट द करेक्ट आंसर सबसे पहले तो ये बात बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया अगर लीकेज नहीं होता ठीक है मैंने क्या बोला अगर लीकेज नहीं होता तो आपका जो टैंक है वो 12 मिनट 12 मिनट में फिल हो जाता ठीक है लेकिन लीकेज है जिसकी वजह से लीकेज सही करने के बाद दो मिनट और लगे तो दो मिनट में फिल तो यही दो टैप्स करने वाले हैं अगर ये एक मिनट में फाइव लीटर्स टैंक को फिल करता है तो दो मिनट में कितना फिल करेगा टेन लीटर्स करेगा मतलब हम ये मान लेते हैं कि लीकेज के साथ जब लीकेज को बंद किया जाता है एट द टाइम एट टाइम मैन केम मैन कम या मैन केम ऐसे लिख सकते हैं तो तब उस सिचुएशन में अगर ये पूरा सिक्सटी लीटर्स का है तो जो आपका पानी भरा हुआ है वो कहां तक का है सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी लीटर्स का भरा हुआ है वो कितना है सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी लीटर्स है ठीक है अब आपने क्या बोला अब यहाँ पे ये जो लीकेज हो रहा था जहां से पानी आ रहा था आप लोगों ने इसको करेक्ट कर दिया हील कर दिया कि यार अब पानी नहीं जाएगा तो भरना कितना है अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेन लीटर्स भरना है तो ये टेन लीटर्स खाली कितनी देर में होंगे ये टेन लीटर्स भर तो दो मिनट में जाएंगे लेकिन कितनी देर में होंगे तो आपने बोला ये मिनट में फिल हो जाएंगे एम टी हुआ है ट्वेल्व मिनट्स में ट्वेल्व मिनट्स एम ये कैसे पता चला क्यों क्योंकि वो अगर लीकेज नहीं होता तो बारह मिनट का टाइम लगता तो अब हम यहां से क्या निकालेंगे जो हमारा थर्ड पाइप है जो लीकेज है मतलब थर्ड पाइप या फिर लीकेज कंसिडर कर सकते हैं इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे अब आपको ये पता है कि दस लीटर कितनी देर में एमटी हुआ ट्वेल्व मिनट्स में एमटी हुआ तो यहां पे से हम एफिशियंसी निकाल सकते हैं कैसे टोटल आपको खाली करने की बात आ रही है होल टैंक होल टैंक की कैपेसिटी सॉरी होल टैंक की कैपेसिटी कितनी है

क्या ये चीज अब समझ में आई ओके ओके मधुरा क्या रिपीट करना है आप एक बार पॉइंट बता देंगी मुझे हम हाँ ट्रिक्स से ही तो सॉल्व कर रहे देखो ये यह यहां पे ये यह देखो जब जब वो आदमी आया ठीक है हमें सिचुएशन क्या दे रखी है वो आदमी आया उसने नोटिस किया कि लीक है लीकेज है लीकेज को उसने बंद कर दिया उसके बाद कितना टाइम लगा टैंक को फिल होने में दो मिनट का टाइम लगा ठीक है लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों पाइप कोई तीसरा पाइप तो आएगा नहीं या कोई चौथा पाइप तो आएगा नहीं या फिर आदमी खुद से बाहर से कुएं से लाके बाल्टियां तो डालेगा नहीं ठीक है जो टैंक फिल करेगा वो अभी भी कौन है ये दो टैप्स ही है या ये दो पाइप्स ही है अब ये दोनों मिलके एक मिनट में कितना पानी भर पा रहे अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी मतलब थ्री प्लस टू फाइव लीटर्स पानी भर पा रहे तो दो मिनट के टाइम पीरियड में कितना पानी फिल कर सकता है सिर्फ टेन लीटर्स ही भर सकता है ठीक है मतलब टेन लीटर्स की कैपेसिटी हमारे पास बची होगी टेन लीटर्स की कैपेसिटी बची है मतलब ये जो टेन लीटर कब फिल होता अगर लीकेज नहीं होता लीकेज है उसी की वजह से तो ये टेन लीटर आपका खाली पड़ा हुआ है ना ये जो लीकेज है इसी की वजह से ये 10 लीटर पानी आपका बचा हुआ है कि टैंक एम है तो हमें ये पता चला कि बारह मिनट टोटल टाइम जितने भी टाइम पे ये तीनों ऑन थे कौन कौन एक दोन तो ये टैप प्लस लीकेज भी जब ये तीनों चीजें ऑन थी कितनी देर तक ऑन थी बारह मिनट तक ऑन थी कैसे पता चला बारह मिनट तक ऑन थी हमें यहाँ पे लिखा हुआ ही तो अगर लीकेज होता नहीं लीकेज होता नहीं तो टोटल कैपेसिटी टोटल एफिशिएंसी वो टैंक 12 मिनट में भर जाता लेकिन भरा नहीं इसलिए हमने यहाँ पे 10 लीटर्स को 12 मिनट किया कि ये जो लीकेज हुआ 10 लीटर्स का कितनी देर में हुआ ट्वेल्व मिनट्स में इस पूरे को खाली कर पाए। इसलिए हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी और इसको इक्वल करके आंसर फाइंड आउट किया क्या आप ये समझ में आया क्या ये चीज समझ में आई हाँ पवन वही तो हमने निकाला है वो डिपेंडेंसी तो निकाली ना कि कितना डिपेंड कर रहा है अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया ठीक है एक एक दो क्वेश्चन करते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा ठीक है टैप्स आर ओपन साइमेंटेनिय बट इट केम टू नो आफ्टर सम टाइम पहले इतनी हिंदी समझ फिर आगे चलेगी कोई दो टैप है ठीक है पहला टैप किसी भी टैंक को ट्वेंटी मिनट में भर देता है सिमिलरली दूसरा टैप किसी भी टैंक को थर्टी मिनट्स में भर देता है आपको क्या बोला गया इन दोनों टैप्स को हमने साथ में ओपन कर दिया बोध्स आर ओपन साइमटेनिय

फ्रॉम अनादर टैप ट्वेंटी फाइव परसेंट लेस वॉटर फ्लो मतलब अगर पहले 100 परसेंट वो कर पा रहा था आप कितना किसकी वजह से ऑब्सटिकल की वजह से? से आगे पढ़ो दीज ऑब्स्टिकल रिमूव आफ्टर सम टाइम इन ऑब्स्टिकल को हटा दिया गया ठीक है आफ्टर रिजोल्विंग दीज ऑब्सटिकल दिल्ड इन एट मिनट्स ऑब्स्टिकल को हटाया दिया गया और ऐसी सिचुएशन के बाद भी जब ये वापस से अपनी 100 100% से फिल करने लग गए थे ऐसी सिचुएशन में भी इन दोनों टैप्स को एट मिनट्स का टाइम लग गया उस टैंक को फिल करने में आपको ये बताना है कि ऑब्स्टिकल कितनी देर तक रहे होंगे इन द पाइप्स हम ये मान के चलते हैं जब सिचुएशन हमें दे रखी होती कि जो ऑब्स्टिकल है वो स्टार्टिंग से ही है। जब आपने ये पाइप को स्टार्ट किया पाइप को ऑन किया तब से ये तो आपको स्टार्टिंग से लेके ये बताना है कितने टाइम तक ये ऑब्स्टिकल रहे होंगे इन पाइप्स कैसे सॉल्व करेंगे अ वेरी गुड मॉर्निंग तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करें देखो सबसे पहले काम तो वही है हमारे वो तीन स्टेप्स लिखना कौन कौन से मान लेते दो टैप कौन कौन से एक ए है एक बी है ठीक है ए है ए किसी भी टैंक को 20 मिनट्स में फिल कर रहा है बी उसी टैंक को 30 मिनट्स में फिल कर सकता है टोटल कैपेसिटी टैंक के आगे 60 प्लस 3 प्लस 2 एफिशिएंसी आ गई ठीक है एफिशिएंसी आ गई अब आप ये निकालो ऑब्स्टिकल वाला केस अभी ए में ऑब्स्टिकल लग गया ठीक है ऑब्स्टिकल लग गया मतलब 66.66 66.66 .66 को मैं क्या लिख सकती हूं 2/3 लिख सकती हूं मतलब थ्री तो पूरी कैपेसिटी थी और टू बाय थ्री से अब ये फिल कर पा रहा है मतलब अब कितने से फिल कर पा रहा है सिर्फ टू यूनिट पर मिनट की है। लिख लेते है। हम लोग यहां पे न्यू एफिशिएंसी विध ऑब्स्टिकल वैली अब बी बी की बात करते बी कितना कर पा रहे सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब टू का सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते थ्री बाय फोर इसका आंसर कितना आ जाएगा वन पॉइंट फाइव यूनिट सॉरी यूनिट पर मिनट हमारे पास न्यू एफिशिएंसी आ गई ठीक है हमारे पास न्यू एफिशिएंसी आ गई है देखते हैं रणदीप प्लीज चेक योर आंसर वंस ठीक है एक बार चेक कर लीजिए हो सकता है इस कैलकुलेशन मिस्टेक आगे अब आपको क्या बोला गया कि ये सिचुएशन में एट मिनट में पानी फिल हो गया कब After resolving. After resolving तो इसी एफिशिएंसी से पानी भरेंगे ना तो टोटल यहाँ पे कितनी है आपकी टोटल फाइव अब फाइव यूनिट पर मिनट की स्पीड से अगर कोई टैंक को भरेंगे एट मिनट्स तक तो कितना पानी फिल कर देंगे तो आप कहेंगे कि एट इंटू फाइव मतलब फोर्टी लीटर्स फोर्टी लीटर्स आपको पानी भरना है कब आफ्टर रिजोल्विंग जहां तक लिखा है क्या वो समझ में आया क्या अभी तक जहां पर भी जितना भी लिखा है हमने वो समझ में आया क्या नो रनधीर इट्स इन करेक्ट अगेन इतना समझ में आया अब आप ये देखो अब इस चीज को समझने की कोशिश करना आपके पास टैंक है ठीक है जिसकी कैप सॉरी आपके पास कोई टैंक है ये टैंक या सिस्टम मान लेते हैं ठीक है थीके? जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है इट्स सिक्सटी लीटर्स ठीक है आफ्टर ऑब्स्टिकल आपने अभी अभी निकाला आफ्टर ऑब्स्टिकल आपको कितना पानी भरना है फोर्टी लीटर्स भरना है मतलब टोटल कैपेसिटी का मान लेते फोर्टी लीटर्स इतना रहा होगा ठीक है आपको फोर्टी लीटर्स भरना है आफ्टर ऑब्स्टिकल्स तो बाकी का जो भी पानी फिल हुआ होगा बाकी का जितना भी पानी फिल हुआ होगा वो विथ ऑब्स्टिकल फिल हुआ होगा इतना पॉइंट समझ में आया ठीक है थीके? तो आपने कहा कि फोर्टी लीटर्स पानी तो विदाउट ऑब्स्टिकल फिल हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि ट्वेंटी लीटर्स जो वॉटर है वो किसके साथ फिल हुआ है विथ ऑब्स्टिकल्स हुआ है ये क्या है थ ऑपस्टिकल और ये विदाउट ऑब्स्टिकल क्या ये चीज समझ में आई वेरी गुड अनुपम वेरी गुड रेटी क्या ये चीज समझ में आई इतना पॉइंट समझ में आ गया ठीक है अब आप ये देखो ये जो 20 लीटर्स है ये फिल कितनी एफिशिएंसी से हुआ तो आपने कहा ए तो टू से भरा था एक सेकंड देख लेते हैं टू से एंड वन प्लस 1.5 मतलब टोटल 3.5 यूनिट पर मिनट की एफिशिएंसी से फिल हुआ है ये 20 लीटर्स हो इतना समझ में आ गया टाइम पूछा है तो टाइम कितना आएगा 20 बाय 3.5 पॉइंट ऑब्स्टिकल आपको तो ऑब्स्टिकल टाइम ही बताना है विथ ऑब्स्टिकल इससे आपको क्या निकल जाएगा ऑब्स्टिकल टाइम क्योंकि इसके बाद जब ये फोर्टी लीटर्स भरा तब तो आपको ऑब्स्टिकल हटा दिया गया ना तो आप यहां पे से क्या लिख सकते हैं टू हंड्रेड बाय थर्टी फाइव और इससे फर्दर आप क्या लिख सकते हैं फोर्टी बाय सेवन जो आपको आंसर क्या दे देगा फाइव फाइव बाय मिनट्स क्या ये चीज समझ में आई क्या ये चीज समझ में आई हमारा आंसर फाइनल आंसर दिस क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं लेवल डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एंड लेवल डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना फटाफट से द कमेंट सेक्शन बता दीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके टू टैप्स कैन फिल अ टैंक इन ट्वेंटी एंड थर्टी आवर्स रिस्पेक्टिवली व्हाइल अनादर टैप कैन एम्प्टी इन एक्स आवर्स इफ ऑल दीज टैप्स आर ओपन टुगेदर, हैज अ टैंक फिल्ड इन फिफ्टीन आवर्स कंप्लीटली ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपको एक्स की वैल्यू बतानी है नेक्स्ट डे टॉपिक कौन सा रहेगा पवन नेक्स्ट डे रीजनिंग का कोई एक टॉपिक रहेगा विल लेट यू नो इन द ग्रुप ठीक है we'll you know the, uh, group, कि क्या टॉपिक रहने वाला है चलो यहाँ पे दो टैब से आगे हम मान लेते हैं एक टैब ए होगा एक बी होगा ठीक है ए टैब किसी भी टैंक को कितनी देर में भर रहा है ट्वेंटी आवर्स में भर रहा है प्लस बी उसी टैंक को थर्टी आवर्स में भर रहा है टैप दे कैन इन एक्सास हम मान लेते हैं हमारे पास कोई सी बी टैंक होगा जो सी टैप होगा जो एक्सास में एमटी कर रहा है हमें पता नहीं है लेकिन हमें एक चीज ये पता है कि अगर हम इन तीनों को साथ में ऑन कर दे तब टैंक को फिफ्टीन आवर्स में फिल कर पा रहे हैं तो हम ये लिख सकते है ना ए प्लस बी प्लस सी ये दोनों टैंक तो फिल कर रहे हैं लेकिन ये एम कर रहा है ऐसे सिचुएशन में भी जो आपका टैंक है वो फिफ्टीन आवर्स में फिल हो पा रहा है लिख सकते हैं ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं कौन रोकेगा अब यहां पे हम निकालते हैं टोटल कैपेसिटी जो कि एल्सियम होता है एल्सियम कितना आएगा आप कहेंगे सिक्सटी इट्स वेरी इजी एंड बिल्कुल करेक्ट है अब थर्ड स्टेप एफिशिएंसी निकालना प्लस थ्री प्लस टू प्लस फोर ठीक है अब एक चीज अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं जब आपने लिखा प्लस ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जो टैंक दो तो फिल कर रहे हैं एक एम कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में टोटल एफिशिएंसी इन तीनों की मिला टोटल एफिशिएंसी कितनी फोर जिसमें ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी है प्लस थ्री बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी है प्लस टू तो। मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के हो रहा है प्लस फाइव प्लस फाइव को अगर फोर में कन्वर्ट करना है तो आपको सी की एफिशिएंसी क्या करनी पड़ेगी माइनस वन करनी पड़ेगी एफिशिएंसी आ गई आंसर ही तो बताना है ना तो सी कितनी देर में एम्प्टी कर देगा टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी मतलब सिक्सटी आवर्स में एम्प्टी कर देगा आंसर आ गया ठीक है पवन आई गेस आपको आपका टाइम एंड वर्क थोड़ा सा मिस हो गया है अगर आपने टाइम एंड वर्क भी पढ़ा होता तो आप डेफिनेटली से, आराम से कर पाते आप अभी भी अटेंड कीजिए आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा होगा अगर फिर भी कोई भी डिफिकल्टी आती है कमेंट सेक्शन और इस सेशन के बाद एक बार टाइम एंड वर्क के सेशन जरूर देखेगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी ठीक है

When all these three pipes, there another pipe C which empty the whole tank in x hours, and we have to find out the value of x. Value of x, okay. uh It is stated that if all the taps are open simultaneously or together, they fill the tank in fifteen hours. They fill the tank in fifteen hours.

टैप ए और पाइप ए इज प्लस थ्री पाइप बी इज प्लस टू ये दोनों वैल्यू रहे प्लस फोर दे की वैल्यू आ जाएगी एंड बस हमने आंसर निकाल लिया ठीक है नेक्स्ट ओके ओके आ ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ठीक है कोई बात इसको स्किप कर देते हैं. या फिर चेंज है कुछ ओके द थर्ड पाइप एम्पटी है न इफ ऑल द टाइम्स आर साइमेंटेनस सेम है ठीक है वही आंसर आएगा नेक्स्ट अ टैप कैन फिल अ टैंक इन फिफ्टीन आवर्स कंप्लीटली वाइल्ड सेकंड टैप कैन एम्प्टी द टैंक विद द स्पीड ऑफ ट्वेंटी फाइव लीटर्स पर मिनट ठीक है एक सेकंड हमने वहाँ पे कुछ दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है थोड़ा सा चेंजेस है ओके okay, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं एक बार टू टैप्स वैल्यूज आई इज डिफरेंट आएगी टू टैप्स ट्वेंटी बी थर्टी प्लस एंड प्लस फिफ्टीन आवर्स ओके यहाँ पे फिफ्टीन आवर्स है ठीक है ठीक है ठीक है तो अगेन सिचुएशन तो यही रहेगी प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस प्लस प्लस इन फिफ्टीन एलसीएम लेंगे सिक्सटी सिक्सटी आए यहाँ पे यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस थ्री यहाँ पे आएगा प्लस टू यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस प्लस फोर ठीक है एफिशिएंसी की बात करें एफिशिएंसी की बात करें तो ओके टीड इन फिफ्टीन आवर्स ओके तो यहाँ पे हमारा एक चीज आएगा यहाँ पे टोटल कैपेसिटी आएगी माइनस फोर की तो यू नो दैट ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ रही माइनस फोर इसकी एफिशिएंसी प्लस थ्री इसकी एफिशिएंसी है प्लस टू और माइनस फोर करना है प्लस फाइव को माइनस फोर में कन्वर्ट करना है तो इसकी एफिशिएंसी हमें कितनी पुट करनी पड़ेगी माइनस नाइन पुट करनी पड़ेगी ओके नाउ द सिक्सटी बाय माइनस नाइन तो माइनस तो सिर्फ एम को शो कर रहा है ट्वेंटी बाय थ्री एंड वी कैन राइट इट एज सिक्स आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स इज अ करेक्ट आंसर ठीक है यहाँ पे एक चीज अलग थी एम क्या ये चीज समझ में आया क्या ये चीज समझ में आई सेम नहीं है भाई मुझे भी धोखा हो गया था सेम है एक वर्ड डिफरेंट था एम टी एंड देखा आंसर कितना बदल गया आंसर कितना बदल गया इस वाली चीज से ठीक है नेक्स्ट ओके okay, इस वाले पे आते हैं अ टैंक कैन फिल अ टैप कैन फिल अ टैंक एंड फिफ्टीन आवर्स कंप्लीटली वाइल सेकंड

और हमें दोनों का भी बता रखा है कि a plus b ये एम्टी करता है तो माइनस कर देता है ऐसी सिचुएशन में ये 20 आवर्स में फिल कर देता है अज्यूमड कैपेसिटी निकालते अज्यूमड कैपेसिटी कितनी है आएगी कि 60 लीटर यहाँ पे आया प्लस 4 यहाँ पे आया, आया आपके पास प्लस 3 b की एफिशिएंसी निकाल ले एक बार तो बिल्कुल निकाल लेते हैं हमको ये बोला कि a प्लस बी की टोटल वैल्यू कितनी है इट्स थ्री ए की वैल्यू फोर है तो b की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी माइनस वन आ गया ठीक है आपको b का टाइम अगर पता करना हो तो कितना होगा बाई वन मतलब सिक्सटी आवर्स ठीक है आपको क्या बोला गया ये ट्वेंटी फाइव लीटर्स पर मिनट की स्पीड से एम कर रहा है पाइप बी मतलब ये बोला गया कि इन वन मिनट ये कितना पानी बाहर निकाल सकता है कितना पानी टैंक खाली कर सकता है तो आपने कहा ट्वेंटी फाइव मिनट्स लिख दिया मैंने ट्वेंटी मतलब इंटू सिक्स मिनट्स एक आर की बात हो रही है ठीक है हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं इंटू सिक्स तो सिक्सटी मिनट्स हो जाएंगे तो वन आवर में कितना कर लेगा ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स ठीक है अब आपको तो सिक्सटी तो मतलब दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन टू तो यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा टोटल कितना हम लोग कर पा रहे टोटल इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं आपने यहाँ पे क्या बोला कि यार एक मिनट में कितना एम्प्टी कर पा रहे ट्वेंटी फाइव लीटर एम्प्टी कर पा रहे ठीक है आपको कितना टाइम में एम्प्टी कर पा रहे हो पूरे टैंक को 60 आवर्स में मतलब 60 आवर्स जितनी कैपेसिटी होगी तो 60 आवर्स 60 मिनट्स 60 मिनट्स बोले तो वन आवर में आप कितना कर पाओगे तो आपने कहा 25 60 फिर आपने कहा नहीं वन आवर की बात नहीं पूछी जा रही है पूछी जा रही है, 60 आवर्स की मतलब अगेन 60 तो यहां पे आपका हो गया 60 आवर्स और आपको यहां पे आंसर बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्सटी इंटू सिक्स एंड यू विल गेट योर आंसर एस नाइंटी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड लीटर्स टोटल कैपेसिटी है समझ में आई ये वाली चीज क्या ये चीज समझ में आई श्योर पवन क्या ये चीज समझ में आई नाइनटी लीटर्स इज योर करेक्ट आंसर हमारा करेक्ट आंसर क्या है टैंक की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है नाइनटी थाउजेंड लीटर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अगर डाउट आए कहीं पे भी तो यू कैन आस्क मी नेक्स्ट अ टैंक कैन फिल अ टैप कैन फिल टैप tap a tap can fill a tank in 15 hours okay. okay 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 a tap can fill a tank in 15 hours empty while another tap empty it in.

आंसर बताइए फटाफट से जैसा अभी हमने प्रीवियस वन किया वही है बिल्कुल काम स्टार्ट करें तो देखें ए किसी भी टैंक को फिफ्टीन आवर्स में फिल कर रहा है कोई दूसरा पाइप है जिसके साथ मिलके ए प्लस बी उस टैंक को एम्प्टी कर रहे हैं कितनी देर में कितनी देर में ट्वेंटी आवर्स में टोटल हम लोग क्या यहां पे निकालेंगे एलसीएम सिक्सटी एफिशिएंसी प्लस फोर एम कर रहा है इसलिए माइनस थ्री आपको यहाँ पे से क्या पता चला ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है माइनस थ्री ए की एफिशियो तो बी की एफिशिएंसी हमें क्या करनी पड़ेगी माइनस सेवन तभी जाके हमें माइनस थ्री मिलेगा ठीक है बी को टाइम कितना लग रहा है सिक्सटी बाय सेवन आवर्स का टाइम लग रहा है ठीक है स्पीड कितनी बताई स्पीड आपको ये बताई गई कि एक मिनट में 35 liters empty कर रहा रहा है, है, ठीक नहीं आपको आपको तो 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 में में चाहिए तो आपको 60 minutes पहले बनाना पड़ेगा 60 minutes मतलब 1 hour. 1 hour में कितना हो पा तो आपने कहा आपने कहा आपको इतना भी नहीं चाहिए आपको कितना चाहिए 60 by 7 hours चाहिए, ठीक है Into 60 by 7, and you will get your answer as 18,000 liters. 18,000 liters is your correct answer. Answer 18,000 liters. Samaj mein Samaj mei? I will question. या कोई डाउट लग रहा है आई गेस ये समझ में आया होगा बिल्कुल प्रीवियस वाला क्वेश्चन जैसा ही ठीक है नेक्स्ट अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स कंप्लीटली while अनादर टैप takes 15 आवर्स टू फिल इट एंड थर्ड पाइप कैन empty it इट इन gallons per पर

हो सकता है कहीं काम आ जाए आप लोगों के अब चलते हैं आगे और सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना कोई पाइप ए है या टैप ए है जो टेन लीटर्स में आपको पानी भर देता है दिस टैंक बी या फिर पाइप बी जो कितना ले रहा है फिफ्टीन आवर्स का टाइम ले रहा है और तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी यहां पे प्लस 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 और माइनस कितना ले रहे हैं थ्री ट्वेंटी फोर आवर्स का टाइम ले रहे हैं ठीक है एल की बात करेंगे एल कितना आएगा वन ट्वेंटी एल आ गया एफिशिएंसी की बात करते हैं कितना आएगा है यहाँ पे प्लस ट्वेल्व यहाँ पे आएगा प्लस एट ठीक है इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा तो यहाँ पे आएगा प्लस फाइव आ गया ठीक है अब आपने ये देखा कि प्लस ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी प्लस फाइव है जहां इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी ए की है प्लस ट्वेल्व बी की है प्लस एट तो अगर यहां पे फिफ्टीन आ रहा है तो हमें सी की कितनी रखनी पड़ेगी तो आपने कहा सी की एफिशिएंसी हमें माइनस फिफ्टीन रखनी पड़ेगी ठीक है ठीक है तो आपने ये देखा कि सी किसी भी टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा वन ट्वेंटी टोटल है एफिशिएंसी फिफ्टीन है आपने कहा एट आवर्स में खाली कर देगा फिर हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि उसकी स्पीड कितनी है थ्री गैलन्स पर मिनट है थ्री गैलन्स पर मिनट है वन मिनट एट आवर्स में एम करेगा कितना होगा पहले तो सिक्सटी मिनट्स बना उसे मिनट्स मतलब वन आवर फिर वन आर को भी इनटू करो एट आर्स में क्योंकि हमें एट आर्स का चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इनटू सिक्सटी इंटू एट कर देता है जो कि हमने यहाँ पे किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे पा आ जाएगा वन एटी इंटू एट मतलब टोटल कितनी हो जाएगी वन फोर्ट वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड गैलन टोटल कितने आ गए एफिशियंसी वन फोर हंड्रेड एंड फोर्टी आपके टोटल कैपेसिटी है क्या ये चीज समझ में आई क्या ये चीज समझ में आई यस और नो फटाफट से बता दीजिए

फाइव माइनस एक्स आपके कौन से होंगे आउटलेट वाले होंगे ठीक है अब आपको क्या दे रखा है ईच इनलेट पाइप कैन टेक टेन आवर्स हर एक पाइप जो इनलेट पाइप है वो पांच घंटे लेता है ठीक है और जो आउटलेट पाइप है वो पंद्रह घंटे लेता है किसी भी टैंक को फिल या एम्प्टी करने के ठीक है अगर सारे के सारे मतलब ये पांचों के पांचों टैप्स एक साथ ऑन कर दिए गए तो ऐसी में तीन घंटे लगे उस टैंक को फिल होने में आपको ये बताना इनलेट पाइप कितना है है ठीक तो एक चीज हमें ये दे रखे अगर हमें फिल करना है तो टाइम कितना लग रहा है आवर्स का टाइम लग रहा है और अगर हमें एम्प्टी करना है तो कितना टाइम लग रहा है फिफ्टीन आवर्स का टाइम लग रहा है ठीक है एफिशिएंसी निकाल लेते हैं सॉरी एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले हमें कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी फिर एफिशिएंसी निकालते आई प्लस थ्री माइनस टू ठीक है आपको यहां पे क्या बोला गया कि अगर आपके थ्री एफिशिएंसी से एक पाइप भरेगा तो कितने हो गए थ्री एक्स हो गए पाइप थ्री से भर रहे माइनस टू एफिशिएंसी से इतने पाइप पानी को निकाल रहे हैं फाइव माइनस एक्स आउटलेट पाइप ऐसी सिचुएशन में जो टोटल टैंक है वो कितनी देर में फिल हो रहा है तीन घंटे में फिल हो रहा है और तीन घंटे में टोटल कितनी कैपेसिटी फिल कर रहा है थर्टी लीटर्स की कैपेसिटी फिल कर रहा है ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए अगर ये इक्वेशन लिख ली इसके बाद तो हम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट सिंपली सॉल्व द वैल्यू आपके पास यहाँ पे से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे से हम लिख सकते थ्री एक्स माइनस टेन प्लस टू एक्स इज टू टेन यहाँ पे से रिड्यूस होकर हम टेन लिख देंगे और हमारे पास यहाँ पे से बचेगा फाइव एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर मतलब इनलेट पाइप आपके पास कितने हैं फोर हैं और आउटलेट पाइप वन है इसको अब हम करते हैं एलिगेशन से भी इस तरह के क्वेश्चन को हम किससे कर सकते हैं हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं कैसे ये देखो अगर सारे के सारे मेरे इनलेट पाइप होते हैं, ठीक है इनलेट पाइप कितनी देर में भर सकते हैं दस घंटे में भर सकते हैं आउटलेट पाइप उसी टैंक को कितनी देर में खाली कर सकते हैं एक सेकेंड ओके हमने उल्टा लिख दिया ओके 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 अगर इनलेट पाइप होता ठीक है सारे के सारे और आउटलेट पाइप दो है हमारे पास तो इनलेट पाइप कि, किसी भी टैंक को कितनी देर में फिल करता टेन में फिल कर देता तो इस बार आउटलेट पाइप में वो लिखेंगे माइनस और आउटलेट पाइप किसी भी टैंक को फिफ्टीन आवर्स में खाली कर देता तो मतलब प्लस 15. लेकिन ऐसा हो कितनी देर में रहा है थर्टी बाय थ्री मतलब टेन में हो रहा है तो बस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्वेंटी और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास फाइव ठीक है सिंपल करेंगे फोर बाय वन ठीक है और ये आपके टोटल फाइव टैप्स हो गए आ गया आंसर इनलेट पाइप्स कितने इनलेट पाइप से फोर आउटलेट पाइप से वन ये आपको हो सकता है एलिगेशन इतना समझ में ना आए जिन्होंने एलिगेशन पहले से पढ़ रखे उनको समझ में आ जाएगा जिनने नहीं पढ़ रखे कोई बात नहीं इसको स्किप करते हैं आप इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और अगर ये मेथड आया है समझ में तो फटाफट -पड़ से इसका भी आंसर बताइए देर आर ट्वेल्व टैप्स इन टैंक ईच inlet पाइप कैन फिल इट इन 20 minutes, while each आउटलेट टैप

एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा हंड्रेड एफिशियंसी प्लस फाइव और यहाँ आएगा माइनस फोर ठीक है अब ये देखो कितने पाइप पाइप है अगर सारे के सारे इनलेट पाइप के मान लेते हैं इनलेट पाइप के ट्वेल्व पाइप्स हैं और सारे के सारे फाइव के एफिशियंसी से भरते हैं तो टोटल कितना फिल कर पा रहे हैं आउटलेट की बात करें एम करने वाले 12 के 12 एम एम्प्टी करने वाले होते हैं तो कितना हंड्रेड बाय एक्स हमें नहीं पता है इनकी एफिशिएंसी टोटल की कितना टाइम ले रहे हैं सिक्स टू बाई थ्री जिसे हम क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी बाय थ्री यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन मतलब इन्हें वैसे कितना हो रहा है टोटल मिड वैल्यू हमारी कितनी है कि फिफ्टी लीटर्स नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा आपका आएगा फोर्टी फाइव इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगेन हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ट्वेंटी वन और यहाँ पे आएगा फिफ्टीन देन अगेन सिंप्लीफाइड सेवन और फाइव टोटल पाइप्स कितने हैं? 12 और 12 भी हमें यहाँ पे दे रखे हमें यहाँ पे से पूछा इनलेट पाइप कितना है तो इनलेट पाइप हमारे कितने निकलें? 7 आंसर इस 7 7 टैब्स या फिर 7 पाइप्स आप आंसर कर सकते हैं समझ में आया क्या ये चीज समझ में आई क्या ये चीज समझ में आई चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे next question two taps fill a tank in 10 and 15 minutes respectively the ratio of volume of two tanks for two taps is 20 ratio 21 if it is assumed that the flow of water is directly proportional to the square of the radius of the pipes then find out the radius of the both taps they hope. आपको यहां पे क्या दे रखा है हमें ये पता है अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले एफिशिएंसी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी आप निकालेंगे टोटल कैपेसिटी एक सेकेंड एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ठीक है अब आपको यहाँ पे दो टैब्स दे रखे हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं टैब वन और यहाँ पे ले लेते हैं टैब टू टैब वन और यहाँ पे ले, ले लेते हैं टैब टू टैब वन की एफिशिएंसी की बात करें यहाँ पे हमें रेशियो वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है तो हम यहाँ पे से इसको कैसे लिखेंगे ट्वेंटी कितनी देर में फिल कर रहा है टेन में फिल कर रहा है मतलब एफिशियंसी कितनी है टू इसकी बात करते हैं ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय फिफ्टीन कितनी आई सेवन बाय फाइव ठीक और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है इट इज अज्यूम दैट द फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द पाइप मतलब हम यहाँ पे से ये लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होंगे रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होंगे किस क्या रेशियो आया आपका रेशियो आया टू रेशियो सेवन बाय फाइव आपको इसको सॉल्व करना है क्या आएगा यहां से टेन बाय सेवन आपको फाइंड आउट क्या करना है सिर्फ रेशियो तो स्क्वायर्स हटाने पड़ेंगे तो क्या आएगा आर वन रेशियो आर टू इज नथिंग बट रूट टेन रेशियो रूट सेवन इज येक्ट आंसर क्या ये चीज समझ में आई क्या ये चीज समझ में आई अगर समझ में आई तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके बताओगे फटाफट से अगर ये पॉइंट समझ में आया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके बताओगे ये रहा द द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू टैंक्स इज फोर्टीन रेशो फिफ्टीन ठीक है वॉल्यूम की बात कर रहे वॉल्यूम में स्क्वायर चलेगा आर वन स्क्वायर रेशियो आर टू स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है फोर्टीन रेशियो फिफ्टीन ठीक है two different taps can fill this tank in 10 and 21 minutes find out the ratio of the radius of these taps kaise karenge again efficiency de rakhi to 14 by 10 efficiency find out kar li efficiency ka ratio 15 by 21 what you will get यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 7 by 5 फाइव और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इट्स फाइव बाय सेवन और जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे वी विल गेट एंड स्क्वायर चल रहा है अभी इस चीज का ध्यान रखना जब हम आर वन रेशियो आर टू लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा सेवन रेशो फाइव सेवन रेशियो फाइव क्या ये भी समझ में आया ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या ये चीज समझ में आया यस नेक्स्ट थ्री टैप्स द रेशियो 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 ऑफ रेडियस इज द लार्जेस्ट टैप कैन टेक वन ट्वेंटी टू मिनट्स टू फिल द टैंक दैन फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल फिल द टैंक तीनों कब कर देंगे फटाफट से बताओ एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं वो भी सॉल्व करते हैं ताकि पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे स्किल अब देखो यहाँ पे से इनके हम रेशियो लिखना स्टार्ट करते हैं r1 रेशियो r2 तो, रेशियो r3 एलसीएम लेंगे फाइनल रेशियो क्या आएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3 ठीक है अब हमें यहाँ पे टैंक फिल करना है फिल करना है मतलब वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी तो इनके स्क्वायर्स लिखने पड़ेंगे वॉल्यूम के लिए इनके स्क्वायर आएंगे स्क्वायर आएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा थर्टी सिक्स यहाँ पे आएगा सिक्सटीन यहाँ पे आएगा नाइन टोटल की बात करें तो टोटल आपके यहाँ पे कैपेसिटी यह शो कर रही है कैपेसिटी शो कर रही है मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी है थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन सिक्सटी ठीक है आपको क्या बोला द लार्जेस्ट टैप लार्जेस्ट टैप मतलब ये उस टैंक को कितनी देर में फिल कर रही है वन ट्वेंटी टू मिनट्स में फिल कर रही है मतलब 36 into 122. ये आपकी क्या है टोटल कैपेसिटी है टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक आपको क्या बोला गया तीनों कितनी देर में फिल कर देंगे तो तीनों की कैपेसिटी कितनी है सिक्सटी वन तो हमारा आंसर कहता आएगा यहाँ पे थर्टी सिक्स इंटू वन टू टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 61 वन से हमें करवाना है तो यहाँ पे क्या है इसका, ट्वाइस, 72 ये इसका जस्ट ट्वाइस है ना थर्टी सिक्स इंटू टू सेवेंटी टू मिनट करेक्ट आंसर सेवेंटी टू मिनट्स में ये पूरा फिल हो जाएगा सेवेंटी टू मिनट्स समझ में आया क्या ये पॉइंट समझ में आया सेवेंटी टू मिनट्स में कैसे कर देंगे तो चले हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना क्योंकि हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए और लास्ट इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे जिस भी तरीके के बन सकते थे हमने वो सारे ट्राई कर लिए लास्ट क्वेश्चन Two taps can fill a tank in 20 and 30 minutes, respectively. Both the taps are open simultaneously. But it was noticed that there was some interruption in both the taps. So that the first tap and the second tap filled the 4 by 5th and 3rd by 4th part of their total capacity. After resolving the obstacle, the tank is filled in 8 आपको बताना है कैसे तो तो देखो इसको कोशिश करता सबसे पहला काम तो वही वो तीन स्टेप हमारे A, किसी भी टैंक को 20 minutes में फिल कर रहा है बी उसी टैंक को 30 minutes में फिल कर रहा है टोटल हमारी कैपेसिटी कितनी 30 एफिशिएंसी की बात करें प्लस थ्री प्लस टू गई अगर ये इंटरप्शन नहीं होता तो कितनी देर में फिल कर लेता सिक्सटी बाय फाइव मतलब ट्वेल्व आवर्स में फिल कर लेता लेकिन क्या है हमारा इंटरप्शन है तो हम ये मान लेते हैं कि अगर ये हमारा पूरी है ट्वेल्व आवर्स है ठीक है तो हमें क्या बोला गया कि कुछ टाइम तक तो आपकी क्या रहा इंटरप्शन रहा ठीक है फिर उस इंटरप्शन को रिजॉल्व कर दिया गया ठीक है अब आपने आपको ये बताना है कि यार इस रिजॉल्व के बाद भी टैंक को कितना टाइम लग गया 822 ट्वेंटी टू मिनट्स का टाइम लग गया ठीक है तो सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि उन्होंने टोटल कैपेसिटी का फिल कितना किया जो हमें यहाँ पे डेटा दे रहा है ए की बात करते हैं ए की एफिशिएंसी कितनी थ्री लेकिन फिल कितने से कर पा रहा है फोर बाय से कर पा रहा है मतलब ट्वेल्व 12/5 से कर पा रहा है जिसे हम लिख सकते हैं 2.4 2.4 की एफिशिएंसी से कर पा रहा है बी की बात करते हैं बी कितने से कर पा रहा है बी कर पाएगा हमारे 2 3/4 मतलब 6/4 जिसे हम लिख सकते हैं 1.5 1.5 यूनिट पर आर की स्पीड से फिल कर पाएगा ठीक है अब आप ये देखो जब इंटरप्शन है जब इंटरप्शन है तो कितनी एफिशिएंसी से फिल हो रहा है तो आप कहेंगे 3.9 की एफिशिएंसी से फिल हो रहा है जब इंटरप्शन है जब इंटरप्शन रिमूव कर दिया गया तब कितने से फिल होगा 5 की एफिशिएंसी से फिल होगा इतना हमें समझ में आया ठीक है अब आप ये देखो कि फिल कितना हुआ इंटरप्शन के साथ पानी फिल कितना हो गया टैंक में तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी बताओ वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताओ कि इंटरप्शन के साथ कितना पानी फिल हुआ हो कितना लीटर वाटर फिल हुआ होगा मैंने आपसे क्वेश्चन अभी ये नहीं पूछा ऑब्स्टिकल टाइम आपको बताना मैंने ये पूछा कि इंटरप्शन के साथ पानी कितना फिल हुआ है आपको यहाँ पे क्या बोला गया जब ऑब्स्टिकल रिमूव कर दिया गया तब कितना टाइम लगा एट ट्वेंटी टू एट ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी फाइव का टाइम लगा आफ्टर दी, आफ्टर रिजॉल्विंग दी इंटरप्शन ठीक है इसको हम क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट इट आउट राउट राइट डाउन एस ट्रिपल टू डिडेड बाई ट्वेंटी फाइव कितनी देर तक कितनी एफिशिएंसी से भरा पांच की एफिशिएंसी से भरा यहाँ पे हमने लिखा है तो टोटल कितना लीटर पानी भर दिया तो आप कहेंगे लीटर पानी तो इसने भर दिया कितने में से आउट ऑफ सिक्सटी में से आउट ऑफ सिक्सटी लीटर्स में से रिमेनिंग कितना बचा तो आपने कहा रिमेनिंग तो बच गया सिर्फ हमारे पास फिफ्टीन पॉइंट सिक्स लीटर्स ये 15.6 लीटर किस कब भरा गया विद ऑब्स्टिकल या विद इंटरप्शन विद इंटरप्शन या फिर आप बोल सकते हैं ऑब्स्टिकल ठीक है obstacle, कितनी एफिशिएंसी से भरा गया 3.9 से तो टाइम आ जाएगा 15.6 डिवाइडेड बाय 3.9 एंड वी विल सॉल्व इट एंड वी विल गेट आवर वैल्यू इज 4 मिनट्स आंसर हमारा क्या आएगा 4 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर क्या ये चीज समझ में आई क्या ये चीज समझ में आई कैसे फाइंड आउट किया और जितने भी क्वेश्चंस हमने किए क्या वो समझ में आया क्या जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो समझ में आया और ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया क्या कोई डाउट है क्योंकि इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा ये टाइम पाइप टाइम इन वर्क कंप्लीट हो गया पाइप एंड सिस्टम जो बिल्कुल सिमिलर था वो भी कंप्लीट हो गया क्या कोई डाउट है अभी भी जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर कुछ आ रहा हो होशल आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस दैट्स आई एम ऑन दिस चैनल ठीक है आइस कोई डाउट नहीं होगा एक बार से अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो, तो एक, को एक बार से इन्हीं और प्रैक्टिस कर लेना आराम से समझ लेना तो चलिए आज इसी के साथ हम हमारा पाइप्स एंड सिस्टम्स भी कंप्लीट कर देते हैं अगेन दे आर मैनी बैचेस आर ऑलरेडी लॉन्च एंड कुछ बैचेस आर गोइंग टू लॉन्च तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हैं या पैसा इन्वेस्ट करोगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना या फिर कुछ भी चीज हम हमारे एफर्ट्स भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें तभी रिजल्ट मिलता है ऐसा तो नहीं मिलता तो पढ़ाई करो एक बहुत ही रिलेवेंट वे में पढ़ाई करो फ्रॉम द स्टार्टिंग जीरो लेवल से ही हीरो बनो एक बहुत ही रिलेवेंट वे में जो आपको प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से भी मिल सकता है अगेन आप चाहे कोई सा भी स्ट्रीम में जाए प्लस जाए आइकॉनिक जाए यू कैन यूज दिस कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर्ड बाय बाडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड आप इस लिंक पे जाके प्रोफाइल लिंक पे जाके आप उनसे ऐड हो सकते हैं ताकि आप स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सके जो कि होती है ऑन अन अकेडमी लर्निंग एप एट सेवन पी एम ऑन द डेली बेसिस आप, आप यहाँ पे ऐसा जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में आपका चल रहा है जर्नल इंग्लिश का बैच जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अगेन इंग्लिश में भी फ्रॉम दिप जीरो पढ़ रहे हैं तो चलिए आज के सेशन को यही रेप अप करते हैं नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है वर्णा टेलीग्राम पे सिंपली जाके आन अकेडमी गेट सी एस टाइप करेंगे तब भी आपको एक ग्रुप मिल जाएगा तो चलिए इस सेशन को यही एंड करते हैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन If you like the session, please hit the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon too, so that you get updates whenever new video. A new and in the ending, once again, thank you so much for